अस्सलाम वालेकुम, नाजो के किचन में वेलकम वेलकम। आप कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं आज आपको बनाने जो सिखाने जा रही हूँ वो है चिकन शामी कबाब। तो उनके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास ये चिकन बोनलेस है तकरीबन आधा किलो, और इतनी ही तकरीबन हमारे पास ये चने की दाल है जो हमने पहले से भिगो के रखी हुई है, चिकन साफ करके रखा हुआ है। और ये हमारे पास है नमक 1 टेबल स्पून, हमारे पास ये साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, हमारे पास जीरा है एक, ये 10 से 12 अदद हमारे पास साबुत लाल मिर्ची हैं, 10-12 अदद लौंगे हैं, दालचीनी के ये 2 टुकड़े हैं। अब हम इन्हें जो है ना आपको बनाना, ये हमारे पास दाल है जो हमने ये देखिए पहले से भिगो के रखी हुई थी, ये हमने डाल दी है प्रेशर कुकर में, ठीक है। और उसके साथ हमने ये डाला है चिकन जो बोनलेस था, और ये जो सामान आपको हमने दिखाया था ये वो है। अब इसमें हम तकरीबन पानी डालते हैं, ये तकरीबन हम 2 गिलास पानी इसमें डालेंगे। ये देखिएगा, ये 2 गिलास भर के हमने पानी के डाल दिए हैं। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। ये देखें, ये अब हमने चूल्हे पे रख दिया है। ये देखें, ये अब हम इसको 5 से 6 मिनट की वेट देंगे बस, और ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमने ना ये 3 अंडे मिक्स किए हैं जिन्हें हम अच्छी तरह हाथ की मदद से सही तरह मिक्स कर लेंगे। देखें, ये शामियां हमने बना बना के ये डालनी शुरू कर दी हैं। शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इधर अब हम प्लेट में डिश आउट करने लगे हैं। हमारे तैयार हैं, अब आप इन्हें केचप के साथ मज़े से खाएं और खुश हो जाएं, ठीक है। अब हम आए, आप ये शामी कबाब खाएं, हमारे लाइक्स भेजें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।